पथरिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकायन के गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण स्थानीय विधायक रामबाई सिंह के द्वारा किया गया। साथ ही अधिकारियों से चर्चा करके समस्याओं के समाधान की बात भी कही। क्या कुछ कहा रामबाई ने किसानों से बातचीत के दौरान, आपको सुनाते हैं। हम समूह बारे में किसान यहाँ सुनो ये आप सुन लीजिए। तुम्हारे सामने कछु बताओ किसानों अधिकारियों के, हम एक जो अधिकारी बात कर रहे थे हमसे झूठ नहीं बोल सका क्योंकि हम इनको ट्रांसफर करवा के ले आए थे। एक ईमानदार व्यक्ति है, सच्चे व्यक्ति है, कनौजिया के सुधार की ओर काम करत है, हित की ओर काम करत, भ्रष्टाचार की ओर नहीं करत। सही बात कर रहे हैं, आज वो तीसरी बार आ चुके हैं। अपनों का इन्हें पैसा मिला तो इन्हें ले दे भाई, मंडी को करा दो। तुम्हें पूरा पैसा मिला था सोसाइटी समूह से, समूह वालों हो तो कुछ करो ना दीदी। व्यवस्था हम भी आने थोड़ा ऊपर नहीं बात करते हैं, उसको तुम तैयार समूह वाले को है आप लोग। जी जी समूह भाई साहब आए थे समूह अध्यक्ष आप या आपके हस्बैंड जी हैं। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो भी गांव में गांव मेरी गए सामान लेने के लिए ना, सिलाई के लिए, सिलाई मशीन लेने के लिए। और एक जने को है जी, आप हो जी, क्या नाम है आपको? प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल कहाँ से? तैसे के सोसाइटी के कर्मचारी में दिक्कत है और कछु नहीं है। कौन सोसाइटी की? जितने सोसाइटी के कर्मचारी है उन्होंने दिक्कत है उतने तोले में और बे नहीं तोला में। अब इतने पे पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है। देखो आप घामो है बताइए, जैसी रेता बिछी रहे थे वैसी पूरा ग्राउंड डरो है। अब गेहूँ ऐसे कैसे तुलाई हुई है सर बताओ? अब किसान ऐसे तो साल भर गेहूँ ने तब तुलाई हुई, जो बरसात ही बिछी और जो बिछु समूह वालों की कोनो गलती नहीं है, लेकिन आपके सर सोसाइटी जो अपनी बगल जो मंडी है मंडी में से भी तुलाई नहीं करन दे रहे यहाँ। पैसा मंगा रहे, पैसा मंगा रहे सर, कहूँ बिल भरो कहूँ जो करो। दो महीना का बिल पहले मोबाइल में कर पहले हम बात करेंगे, तुम और बात करो। एक खुद बात करो। हेलो, मैं ये बोल रही थी सर कि मंडी तो पूरी मतलब सीसी वगैरह है सब है और इतने पानी की व्यवस्था है, न छाया है न कछ हुआ है, बिल्कुल जंगल टाइप की डलो है, इतने से हो रही सर तो मंडी खाली पड़ी है, तो मतलब किसानों इनके लाने हैं। डेयरी में कल हमें शाम को कोई ने फोन लगाओ तो अपने हमारे एक जो क्षेत्र के खड़ेरी के किसान हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है तुलाई को लेके, तो जो समूह वालों के लाने तुलाई को वो मिलो है मतलब ठेका मिलो है, तो दो समूह वाले हैं तो बगल में मतलब बिल्कुल ऐसी धूल पड़ी है, बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, तो किसानों को असुविधा थी बहुत ज़्यादा। हालांकि जो समूह वाले हैं वो पूरा पैसा मिलता है, व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी रहती है, हर चीज़ का पैसा मिलता है उनको, लेकिन वो व्यवस्था समूह वाले नहीं कर रहे थे। जो व्यवस्था सरकार से उनको मुहैया कराई गई है किसानों के हित के लाने, तो बगल में मंडी थी तो मंडी वाले अपनी जगह पे सही थे क्योंकि उनकी मंडी का किराया लगे, किराया विराया लगना चाहिए देना पड़ेगा और बिजली का बिल देना पड़ेगा, टूट फूट भी हुई करते हैं किसान के हाथ से या किसी के भी हाथ से, तो वो उनको देने चाहिए। तो ये सामंजस्य हमने बनवाई है और पूरी जितने किसानों की तुलाई है वो मंडी के अंदर होगी समूह के द्वारा, और कोई लापरवाही नहीं होगी। तो हमारे कनौजिया जी हैं जो अपने अधिकारी, उनसे हमारी चर्चा भई है तो किसानों की समस्या हल हो गई है और उधर ही तुलाई होगी मंडी के अंदर, और जो उनकी मांग है मंडी के अधिकारी की हमारी मंडी को लेके उनकी, तो वो भी जो समूह के अध्यक्ष हैं उनने बोल दी कि जो भी समस्या इनकी है मतलब मंडी उपयोग करें हम, तो वो पैसा हम उनको दें।